अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। उज्ज्वला अपनी बेटी विजय और बहू मानसी के साथ जमनापुर नगर में रहती थी। एक बार की बात है, रात के खाने के बाद मानसी विजय के पास गई और बोली, सुनिए जी, आज ना मेरा मीठा पान खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, अभी ले आता हूँ। विजय मानसी के लिए पान ले आता है। मानसी जैसे ही पान देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो पान खाने लगती है। सुनिए जी, क्या सूंघू इस वक्त, मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ। अरे सूंघ रही हूँ, सूंघना नहीं। अरे तुम पहले पान खत्म कर लो मुंह का, तब बात करना। अफो, अब भी ना। मानसी पान का आनंद ले रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे मानसी जरा बाहर तो आना। मानसी पान चबाते हुए अपनी सास के पास चली जाती है। मुंह में पान होने की वजह से मानसी ठीक से बोल नहीं पाती। जी माजी, काजी, माजी माजी, वो मैं पान खा रही हूँ ना। क्या? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। अब बोलिए मम्मी जी। घोलिए, क्या घोलू इस वक्त। मम्मी जी रुकिए। मानसी पान थुककराती है और तभी बाथरूम में विजय आ जाता है। विजय देखता है कि टाइल्स पर पान के दाग लगे हैं। छी, ये मानसी भी ना, पान थूका पर साफ भी नहीं किया। विजय गुस्से में मानसी के पास जाता है। सुनो मानसी, तुमने पान खाया कोई बात नहीं, पर कुल्ला करने के बाद कम से कम वॉश बेसिन तो साफ कर दो, पूरे छींटे लगे हैं वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है ना, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। अगले दिन मानसी को फिर पान खाने की इच्छा होती है, तो वो पान लेकर आती है और खाने लगती है। वो दिन भर पान चबाती रहती है। एक दिन उसकी सास कहीं बाहर जा रही थी। मम्मी जी कहाँ जा रही है? ओहो बहू, इतना पान मत चबाया करो, दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। अरे मम्मी जी कुछ नहीं होगा। तभी मानसी के मुंह से पान की कुछ छींटे उसकी सास की साड़ी पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने, मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरी साड़ी ही खराब कर दी। अरे सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना खराब करी है। तुम भी ना मानसी हद करती हो, मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी, अब इसके दाग पता नहीं जाएंगे भी या नहीं, मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। उफो। मानसी की इस पान खाने वाली आदत से सभी परेशान थे, पर मानसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पान खाने वाली आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो दिन भर पान ही खाती रहती थी। एक दिन मानसी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो अचानक से उसके दांत में दर्द हुआ। क्या हुआ मानसी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे क्या बताऊं, दांत में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे तो तैयार भी नहीं हुआ जा रहा है। दांत में दर्द, जरा अपना मुंह तो खोलो। मानसी अपने दांत दिखाती है, तो उसके दांत बिल्कुल ही पीले पड़े हुए थे। मानसी तुम्हारे दांत तो बिल्कुल खराब हो गए हैं। क्या? हाँ, दिन भर जो इतना पान खाती हो ये उसी का नतीजा है, और शायद तुम्हें दर्द भी इतना मीठा पान खाने की वजह से ही हो रहा है। नहीं नहीं, मैं इतना पान कहाँ खाती हूँ। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। हाँ हाँ, दिन के बस 10-12 पान खाना तो आम बात है तुम्हारे लिए। वो तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये सब ध्यान नहीं रहता। हाँ तो उसी का तो नतीजा है कि तुम्हारे दांतों में इतना दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, आज से पान खाना बंद। और आखिरकार मानसी को अपनी पान खाने की आदत को छोड़ना ही पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।